बाइक से हाथ नहीं लगा देना, तुम मुझे जानते नहीं हो, आरक्षक को धमकाया और छुड़ा ले गया बाइक। आरक्षक मदद के लिए लगातार रह गया कंट्रोल रूम कोतवाली से गुहार, नहीं आई पुलिस। धमकी दे रहे युवक की मदद के लिए पहुंच गया नेता। शिवपुरी पुलिस विषम परिस्थितियों में आम जनता के लिए कितनी तत्पर रहती होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार की दोपहर एक युवक जिला अस्पताल में सार्वजनिक रूप से नहीं, एक नहीं बल्कि तीन से चार आरक्षकों को दर्जनों लोगों के सामने धमकाते हुए अपनी बाइक छुड़ा कर ले गया। आरक्षक मदद के लिए कंट्रोल रूम के साथ टैंगो चार्ली और ना जाने किस किस को कॉल करते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए पुलिस नहीं आई। सोमवार की दोपहर जिला अस्पताल में अजय नामक एक युवक अपनी बाइक पर सवार होकर आया। अस्पताल के गेट पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के आरक्षक पवन सहित अस्पताल के गार्ड ने युवक अजय को रोका और बाइक स्टैंड पर लगाने को कहा, लेकिन युवक स्टैंड पर बाइक लगाने तैयार नहीं था। वो आरक्षक और गार्ड को धमकाते हुए बाइक अंदर ले गया। युवक ने गाड़ी अस्पताल के मुख्य द्वार पर खड़ी कर दी। आरक्षक ने जब वहां से गाड़ी हटाने को कहा तो युवक उससे झगड़ा करने लगा, लेकिन युवक ने बाइक नहीं हटाई बल्कि पुलिस वालों को देख लेने की धमकी देते हुए बोला कि बाइक से हाथ नहीं लगा देना, आप मुझे जानते नहीं हो। इसी दौरान युवक ने हिंदुवादी नेता विनोद पुरी को फोन लगा दिया। इधर वहां मौजूद आरक्षक कार्यवाही और मदद के लिए पुलिस कंट्रोल रूम कोतवाली के साथ तमाम लोगों को कॉल करते रहे, लेकिन पुलिस नहीं आई। इसी बीच कुछ देर बाद एक युवक अस्पताल पहुंचा और पुलिस को धमकी दे रहे युवक की बाइक को निकलवा कर ले गया। इस मामले में यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने कहा कि आरक्षक को मुझे कॉल करना चाहिए था, मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैं मामले की जानकारी लेता हूं, आप मुझे वीडियो सेंड कर दें, मैं गाड़ी वाले पर कार्यवाही करता हूं। ऐसा कौन सा केस कर दिया जो गाड़ी का थाने में जाएगी? हाथ नहीं लगना चाहिए गाड़ी से, अभी तुम जानते नहीं है कैसा, मुझे अच्छे तरीके से जान जाओगे। धमकी क्यों दे रहे हो यार? चुप रहो यार, तुम मुझे धमकी दे रहे हो ना? लो बात कर रहे हैं, वही कहा धमकी दे रहे हो ना? क्या धमकी दी? के मारेंगे सारे लोग, क्यों मारेंगे? है ना, मारने की तो बात ही नहीं। नाम बताओ अपना, जरा नाम, जरा नाम, नाम मुंह से बोल, जरा जरा नाम, नाम मुंह से बोल, बताओ ना, इसलिए होते नाम लगा मुझे बोल गया था। अरे हेलो, अरे दादा जी, अपना अस्पताल है ना, थोड़ा वहाँ पे आ जाओ। नहीं अरे जे अंदर गाड़ी में, मैं अंदर गाड़ी लेके जा रहा था, थोड़ा समस्या थी अंदर, पेशेंट को लेके जाना था साथ में, तो एक ट्रैफिक पुलिस है तो बहुत बदतमीजी की, ये कह रहे थे मारेंगे फलाना ढिकाना, और गाड़ी को भी ये कह रहे हैं गाड़ी लेके जा रहे हैं, जिनकी अभी बुला रहा हूँ, बात कर लो इनसे लो। ये मेरी गाड़ी यहाँ पर जे, अरे मैं यहाँ से ले जाऊँ,